हेलो दोस्तों, तो जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था वो दिन भी आ चुकी है। अब हमें रोने की नहीं बल्कि हंसने की बारी आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन की तरफ से न्यू अपडेट आ चुका है। इस अपडेट में एमएक्स टकाटक ने काफी सारे न्यू फीचर जो ऐड किए हैं, जितने भी पुराने फीचर थे उन्हें हटाकर न्यू फीचर जो है ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे काफी सारे न्यू फीचर जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं और बहुत सारे फीचर जो है हमें बेनिफिट देने वाले थे उस फीचर को हटा दिया गया है। आखिर कौन कौन से न्यू फीचर है आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, और साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि एमएक्स टकाटक ने जो है इस बार जो अपडेट लाया है, इस अपडेट में आप लोगों को पैसा गिफ्ट की बारिश होने वाली है। कैसे होगी और क्या करना होगा पूरी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ऐप से रिलेटेड काफी सारे नॉलेज इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, आज के मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ऊपर के साइड में आप लोग सामने सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सर्च वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है एमएक्स टकाटक। एमएक्स टकाटक लिखने के बाद सिंपली आपको सर्च करना होगा। सर्च करते ही आप लोग सामने एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन चलाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो एमएक्स टकाटक का जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 23 मई 2022 को अपडेट आया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले अपडेट कर लेना। जब तक आप लोग अपडेट नहीं करोगे तब तक आपको न्यू फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप लोग अपडेट कर लेते हो, अब चलिए जानते कि आखिर एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन में कौन कौन से न्यू फीचर था या कौन कौन चीज जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैक आते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन में एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को ढूंढ लेते हैं कि आखिर वो कहां पर है। अब देख सो कि यहाँ पे हमारा एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन आ चुका है। अब यहाँ पर देखो कि पहले लिख के आता था एप्लीकेशन के नीचे एमएक्स टकाटक, पर यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पर देख सो लिख के आ रहा है टकाटक बाई मोज, यानी कि अब इसका जो नाम है टकाटक बाई मोज आ चुका है। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं टकाटक बाई मोज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो एमएक्स टकाटक वीडियोस का वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूं जिससे हमारी और जो लोगों को क्लियर और साफ सुथरा देगा। अब चलिए जानते कि आखिर एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से फीचर जो है ऐड हुए हैं, कौन कौन से न्यू फीचर जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग सामने जो है एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने आपका प्रोफाइल ओपन होकर चलाएगा। अब यहाँ पर देख सो सबसे पहले जो फीचर्स को हटाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पे प्रोफाइल के नीचे जो है आप लोगों की मेडल का ऑप्शन देखने को मिलता था, जहाँ पे आप लोग साफ साफ देख रहे थे कि आप लोगों को कौन कौन से मेडल जो है मिले हुए हैं और कितने मेडल्स आपने कलेक्ट किए हुए हैं, पर उस फीचर्स को यहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया गया। सेकेंड में आप लोग ये भी देख सकते हो कि आप लोगों को लाइक फॉलोअर्स लिखने का जो है बिल्कुल ही तरीका चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड था, अब यहाँ पे इसको हटाकर सिंपली जो है सिंपल तरीके से कर दिया गया। तो ये भी फीचर्स को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब देखेंगे कि आप लोग को एक तीसरे नंबर में एक फीचर्स ऐड हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो क्रिएट योर ऑन प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट क्रिएट करने का एक ऑप्शन भी दे दिया जा रहा है। तो ये भी कमाल का न्यू फीचर है जो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। अब यहाँ पर देखो कि एक और फीचर ऐड किया गया है जो कि फेवराइट का है। अब हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जिस भी आप लोग वीडियोस को फेवरेट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कोई भी बंदा आपके अकाउंट पे चेक कर सकता है कि ये बंदा किस चीज को जो है फेवराइट करके रखा हुआ है। तो ये भी फीचर्स कमाल के बहुत ही अच्छे हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर के साइड में देखोगे कि आप लोग सामने थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सो जैसे आप लोग थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे सेटिंग्स देखने को मिलते थे, पर यहाँ पे अब आप लोगों को मात्र तीन सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएटेड सेंटर का, और सेकेंड नंबर में आप लोग ये भी देखोगे कि आप लोगों को एक वैलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और चौथे नंबर में आप लोग ये देखोगे कि आप लोग सामने एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए जानते कि आखिर क्रिएटेड सेंटर में आखिर कौन कौन से न्यू फीचर्स आया है। तो हम लोग क्रिएटेड सेंटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो जैसे हम लोग क्रिएटेड सेंटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक एनालिटिक्स है और दूसरा गाइड है जो कि मोज एप्लीकेशन में पहले से ही है। तो ये फीचर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है क्रिएटेड टूल्स के नाम से।
अब चलिए जान लेते आखिर दूसरा फीचर जो है यहाँ पे वॉलेट ऑप्शन, इसमें क्या क्या चीज चेंज हुए हैं। तो सिंपली हम लोग वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सो क्या हमारा जो है यहाँ पे पैसा दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर देख सो जो अमाउंट है 7097 रुपए जो है मेरा अमाउंट है। यहाँ पे अभी विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत ही जल्द यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन भी सेक्शन जो है जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट में पूरा का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं, फिर से तीन लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कौन कौन से न्यू फीचर जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए, जो चीज भी था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऊपर की साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट मोबाइल वेरिफिकेशन बैच, तो इसको आप लोगों को ऑन करना होगा। सो ऑन करोगे तभी आप लोगों को जो है आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। तो हम लोग इसको अभी रहने देते हैं, बाद में करेंगे। पर यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को टकाटक बाई मोज पॉलिसी जो है आ चुका है, यहाँ पे शेयर टकाटक विथ फ्रेंड आ चुका है, जो कि पहले नहीं था ये सब फीचर। ये पूरा फीचर जो है न्यू ऐड किया गया है, पूरा मोज का सेटिंग जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब ये तो आप लोगों ने जान लिया, अब जानते हैं कि चलिए नोटिफिकेशन में क्या चीज चेंज हुआ है। तो नीचे की साइड में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखते हो कि आप लोग सामने काफी सारे न्यू फीचर जो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हो आपको ऑल देखने को मिला है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आप लोग का वीडियो नोटिफिकेशन होगा, लाइक्स का नोटिफिकेशन होगा, वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना कौन कौन से ट्रेंड चल रहा है। रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, जहां से आप लोग पैसे कमा सकते हो। उसके बाद ऊपर के साइड में एक तीर का लोगो देखने को मिलेगा, जहां से कि आप लोग डीएम वगैरह कर सकते हो, किसी को भी डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये भी कमाल का फीचर है। अब चलिए जानते कि आखिर कैमरे के अंदर क्या क्या चीज चेंजेस हुए हैं। तो इसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अगर आप लोग नहीं जानोगे तो आप लोगों को काफी सारी बेनिफिट जो है नहीं मिल पाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे टैप करना है। सो जैसे लोग प्लस वाला आइकन पे टैप करोगे, अब यहाँ पर देखोगे कि आप लोग फोन का कैमरा जो है यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा। अब यहाँ पर देखो कि आपको ब्यूटी देखने को मिलेगा। अब ब्यूटी पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी लेंस जो है देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ऊपर के साइड में म्यूजिक देखने को मिलेगा, उसके बाद आप लोग देखोगे फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगा, टाइमर देखने को मिलेगा। ये भी कमाल का फीचर था, जो पहले ये सब नहीं था, पर यहाँ पे काफी सारे न्यू फीचर जो है ऐड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से भी बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद देख लेते हैं सर्च वाले आइकन पे क्या क्या चीज चेंज हुए हैं डिस्कवर वाले पेज पे। तो हम लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, सर्च वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी देखते हो कि आप लोगों को पोस्टर लगाने का तरीका भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले जो पोस्टर था यहाँ पर देख सकते हो कि 9:16 के रेशियो में था, पर यहाँ पे अभी चेंज करके पूरा का जो है वर्टिकल कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे 4:16 का कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये भी प्रोफेशनल तरीके से देखने में लग रहा है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर होम वाले आइकन पे क्या चेंज हुए हैं ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे। तो हम लोग ट्रेंडिंग यहाँ पे क्या करते हैं, होम वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। होम वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सो लाइक का सिंबल बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखोगे की आप लोग सामने काफी सारे चेंजेस जो है देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और को चेंज किया गया है, जो की है वेरिफिकेशन बैच। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच को कुछ अलग तरीके से कर दिया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल बता ही देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, जैसे कि मैं इनको देख लेता हूँ। तो देखिए कि मैं इनके अकाउंट पे चलता हूँ, सो यहाँ पे इनका अकाउंट ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इनके हम प्रोफाइल पे आते हैं। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर देखते हो कि इनके अकाउंट से वेरिफिकेशन बैच को रिमूव कर दिया गया है, जो कि पहले इनके अकाउंट पे वेरिफिकेशन बैच हम लोगों को देखने को मिल ही रहा था। पर हम लोग देख लेते हैं और भी सारा अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि वेरीफाइड हो। तो हम सबसे पहले यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर से इनके अकाउंट पे चले जाते हैं। अब जैसे कि इनके अकाउंट पे आते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच को जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल ही न्यू तरीके से ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, इनका लाइक फॉलोवर्स भी आप लोग देख पा रहे किस तरीके से चेंज हुआ है। तो ये न्यू फीचर जो है काफी कमाल का है। ये फीचर्स के बारे में आप लोगों को पता था या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जो बताना। ये फीचर्स मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा और आगे चल के एमएक्स टकाटक और भी अच्छा करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर देना, जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की पूरा फुल कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में समाप्त करता हूं, फिर मैं तो आप सकल इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।